कब से हंस रही है मेरे पे? हिंदी बोल रहा हूँ ना इसलिए। आपको आता है हिंदी बोलना? हमको हिंदी नहीं आता। गुजराती माँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। और हमने आपको बोला था कि आप कमेंट करिएगा और हम हिंदी में व्लॉग शूट करेंगे। तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी बज रहे शाम के 4 और मैं बाहर गया था और अभी आया हूँ और बहुत मुझे ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता। फिर भी हम एक ब्लॉग बनाने वाले हैं हिंदी में, क्योंकि आज मैंने आप सभी लोग को बोला था कि आप कमेंट करिएगा और हम सभी लोग बोलेंगे हिंदी, क्योंकि मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा को तो नहीं आता हिंदी बोलना, फिर भी दीदी और मैं बोलेंगे हिंदी में। अभी सीख रहे हैं और आता नहीं है, ठीक है? तो कुछ गलती बलती हो जाए हमसे तो माफ़ कर देना। और देखो यार, ये जब भी बारिश आती है तो 2-3 घंटे तक तो ये आवाज़ ही परेशान करती है। और आज मैं कुछ काम से बाहर गया था और आज ब्लॉग लेट स्टार्ट किया। और मम्मी क्या कर रही है? मम्मी आपको आता है हिंदी बोलना? नहीं। मम्मी कला आता है हिंदी बोलता। तो मम्मी बना रही है चाय। मम्मी बनाई रही है चाय। और अभी हम चाय पीने वाले हैं और हमारी दीदी क्या कर रही है वो तो अभी नहीं पता। और आज मैं काम से गया था और इसीलिए लेट हो गया व्लॉग बनाने के लिए। और पप्पा देख रहे हैं टीवी। आपको आता है हिंदी बोलना? गुजराती बात तो सही है। तो ये हमारे घर पे सभी लोग गुजराती ही है और हम भी सीख रहे हैं। और ये देखो। कब से हंस रही है मेरे पे? हिंदी बोल रहा हूँ ना इसलिए। क्यों भाई, आपको नहीं आता हिंदी बोलना? नहीं, हमको नहीं आता। तो बोल तो दिया, हम बोलेंगे हिंदी में। आप लोग कमेंट करिए। वाह, हमको हिंदी नहीं आता। तो क्या कर रहे थे आज तुम? कुछ भी नहीं। तो घर पे थे? खटिया तोड़ रहे थे? खटिया तोड़ा, टीचर हार हुए। हिंदी बोलो भैया, हिंदी बोलो। हिंदी में ही बात करने का हमने बोला था, इसीलिए आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, ठीक है? ये देखो, ये पूरा हमारे दीदी का सेटअप है। कपड़े वपड़े देखो। और ये टी शर्ट मेरा है, अभी उसके खाते में चला गया। देखो ये गहने बहने और सभी लोग देखो, ये क्या हार है? सब खोटे। सब नकली है, असली नहीं है यार। वो तो सभी को पता ही होता है असली नहीं है, फिर भी मार्केट से लिए हुए इसीलिए। हो बोलो, कुछ बोलो भैया। भैया कुछ तो बोल दो भैया। बोल दो हिंदी में, कुछ तो बात करो। मम्मी साल लेके आ गई है। तो सा आ गया है। ओ सॉरी यार, मुझे भी तकलीफ हो रही है हिंदी बोलने में। ओ सागी, और हम चाय पीने वाले हैं। आ जाओ दीदी, चाय पीने के लिए आपके लिए मम्मी चाय बना के लाई है। तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं आता मुझे हिंदी बोलना, इसलिए मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो भी यार, मैंने बोला कि बाहर से आया था, मम्मी को तो सर दर्द हो रहा था, तो थोड़ा चाय बना दो। तो अभी सभी लोग चाय पीने वाले। देखो हमारे दीदू बहन चाय पी लो, दीदू चाय पी लो। नीचे रखो, नीचे इधर, वरना गिर जाएगा। तो भी मैं चाय पी लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, कब की चाय पी ली। और अभी देखो मैं कर रहा था एशियन लीव, क्योंकि जब भी बारिश में बाइक चलाता हूँ रास्ते पे, और हमारे रास्ते भी खराब है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जब भी बाइक में एशियन यार भीग जाती है। तो एक दो बार भीगने के बाद चैन लीव करना ही पड़ता है, क्योंकि वरना आवाज़ करने लगती है इसलिए। और अभी बारिश भी रुक गई, मस्त धूप निकल गई। और यार इसका तो क्या कहने, ये बस ये दिक्कत आ रही है उसमें, बार बार चैन लीव करना पड़ता है, क्योंकि 3-4 दिन में एक बार तो करना ही पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगती है। और ये इसका मैंने नाम नहीं, धन्नू कहता हूँ मैं, बोलता हूँ मैं यार, सॉरी। थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी तो हिंदी बोलने में, इसीलिए इसका नाम हमने रखा था वेनम, जब से लाया था तभी से, क्योंकि कि मार्वल की मूवी और बॉलीवुड की मूवी सारी देखता हूँ इसलिए। और जो जिसने वेनम मूवी देखी होगी उसको पता ही होगा, क्योंकि उसमें कैरेक्टर होता है जो दूसरे प्लेनेट से आया होता है। तो
तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा था वेनम। तो भी वही है, तो मैं गुजराती में जब भी ब्लॉग बनाता हूँ तब भी यार धन्नू धन्नू बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है पर चलेगा। देखो अभी सारे लोग क्या कर रहे हैं, मूँगफली के दाने निकल रहे। ये मम्मी को भी नहीं आता हिंदी बोलना, पप्पा को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता घर में कुछ बोल भी नहीं आता किसी को भी नहीं आता। क्यों निकल रहे हो मूँगफली के दाने? खारसिंग बनाने के लिए अभी सारे लोग निकल रहे हैं मूँगफली के दाने। देखो इतने सारे निकल दिए। देखो क्या दिखा रहे थे तुम भैया? खाते हैं। तो ये बना के फिर रख देंगे खाने के लिए, तो जब भी भूख लगती है तो खाते हैं मूँगफली के दाने। मस्त बनाती है मेरी मम्मी। क्या मम्मी आता है आपको बनाना? देखो यार ये सब गांव में यही दिक्कत होती है क्योंकि किसी को हिंदी नहीं आता और मुझे भी नहीं आता, पर अभी दिक्कत आ रही है पर चलता है थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमको आता नहीं है इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि सीखना चाहिए हर कोई चीज सीखना चाहिए। और जो भी यार मुझ पे अभी हंस रहे होंगे तो उसको मैं खास बोलना चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई करो, और ख़ास करके जो गुजराती में बोलते हैं तो एक बार ट्राई करके देखना यार हिंदी बोलने में कितनी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि यार हमेशा हम गुजराती में बात करते हैं इसीलिए ये सब प्रॉब्लम होती है और होती ही है। मेरे डैडी बोले एक बार क्योंकि सोकी गुजराती में ही बात करते हैं सभी लोग इसीलिए वो तो प्रॉब्लम रहेगी, और एक बार ट्राई करना फिर बोलना यार कमेंट में बताना क्योंकि ऐसा ही होता है। मैंने पहली बार ट्राई किया मुझे पता है, पहले ही मैंने 2-3 टेक लिए फिर हिंदी बोलना आया थोड़ा बहुत, अभी तो इतना ज़्यादा नहीं आता। क्या हुआ भैया? कुछ तो बोल दो भैया, कुछ भी नहीं आता, कुछ तो बोल दो भैया। चलो खाने में क्या बनाने आज? तुरियन सब्जी। वो का होता है भैया? आपने गुजराती में कहो की वरम श्याक। ओ बप्पा उसको तुरिया बोलते हैं? तुरियन बोलते, कमेंट में कह दो। हमको नहीं पता भैया। तो गाइस मैं इधर भी तुलसी के पत्ते लेने के लिए आया था, और ये देखो हमारे यहाँ पर 2 तुलसी के पौधे हैं, और ये बड़े वाले पत्ते हैं, इधर थोड़े छोटे वाले पत्ते हैं। और ये क्योंकि इसको खाने से यार गले में जो खांसी होती है उससे भी आराम मिलता है और गले के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इसलिए हम इसे कभी कभी खाता हूँ तो इसलिए तोड़ के आ गया। तो गाइस देखो आज खाने में बनाने वाली हमारी दीदी क्या बना रही होगी? क्या तुरिये की सब्जी बनने वाली, और अभी काट रहे हैं इसको। ये कड़वा भी निकलता है ना कभी कभी? कभी कभी निकलते हैं, मीठे भी होते हैं कभी कभी, बारिश होती है कड़वे बारिश पे वो ऐसे होते हैं वरना कड़वा हो जाता है, बारिश में मीठे हो जाते हैं, बारिश में मीठे हो जाते हैं क्योंकि भीगते हैं ना वो इसीलिए मीठे हो जाते हैं इसीलिए। और यार मुझे नहीं आता ठीक से हिंदी बोलना, और सीख रहे है हमारे दीदी भी। हमको हिंदी कुछ भी नहीं आता, इतना बोलना आता है कुछ भी नहीं आता। बीजू कुछ नहीं है, अभी देखो मूँगफली के दाने ही निकल रहे हैं मम्मी और सभी लोग। और सॉरी यार ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा इसीलिए, क्योंकि यार ये व्लॉग आप देखना फिर बताना कभी ये और ऐसा व्लॉग बनाइए तो हम ज़रूर से बनाएंगे, क्योंकि हमको नहीं आता बहुत ज़्यादा बोलना ठीक से इसीलिए। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, और जितना ज़्यादा आप इस व्लॉग पे कमेंट दोगे तो अगली बार फिर कभी ट्राई करेंगे कि हिंदी में बात करने के लिए व्लॉग शूट करने के लिए। अभी तो सीख रहे हैं यार, मैंने
लाइफ में पहली बार हिंदी में ब्लॉग शूट किया, पहले कभी एक बार किया था वो उतना भी नहीं आता, तो इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं तक। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब जरूर से करना यार हमारे ब्लॉग को। और बस कुछ गलती हो गई हुई, कुछ भी गलती मेरे से हो गई तो यार सॉरी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे नहीं आता हिंदी बोलना, इसीलिए बस ब्लॉग पसंद आया पसंद देखो यार ये ऐसा सब होता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, हम और ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे, कमेंट करना और थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। तो बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और मिलते हैं फिर कभी ऐसे हिंदी ब्लॉग के साथ। जय माता जी, बाय।